मोदी जी कहते 400 पार मरू जा मुर्दा बन जा तब हमारे मुँह में आगे लगा वाला कोई ना है भैया। हमारे तो बहुत सी पलवार हुआ विपक्ष में आऊंगा बाकी जब हमारे के एक मुर्दा पड़ी ना दीदी तो 500 मुर्दा यहाँ के उठाए वाले राम राम सत्य होके लेके चल जाइया। अब मोदी जी का ना जनता उठाएगा बड़ा बढ़ाने आए हैं। कौन है नाम बताइए। अरे हमारे कांग्रेस अखिलेश भाई है। अच्छा। हमारी पोती आई है हमारी बहू आई है बढ़ के पोती से बढ़ के आओ मोदी जी हैं उनके तो वो नहीं हुए 405 का मतलब क्या होता है ये बताइए। 400 पार वो कह रहे हैं 400 पार का कहले हुआ है कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा हबड़ा का फूल हबड़ा का फूल खाली पर गाड़ी दौड़ी है मोदी जी दौड़ी है दिल्ली तक पहुंचना चाहिए। यहाँ से बक्सा बंद होगा समझ लिए सारी मीडिया वाले की इज्जत नहीं होगी। ये भी आप लोग गौर करिएगा आप लोग जैसे ले रही है बयान दे समाचार या आप देखिएगा हम पूरा चलाएंगे। अरे थे तो मोदी जी ने मुद्दा उठा लिया कि कांग्रेसी सब बिजली में घुस गए मोदी जी तेरा दिखा रहे हैं कि हम ही है। नमस्कार मैं आपके साथ अंतिमा सिंह आप देख रहे हैं शो न्यूज इंडिया। इंडी गठबंधन की प्रत्याशी जो अजय राय के समर्थन में डिंपल यादव और प्रियंका गांधी काशी में जो है कि आ रही है रोड शो कर रही है उनके समर्थन में और उनके समर्थन में जो रोड शो करने आ रही है उनके स्वागत के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। और यह जो वाराणसी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र कहलाता है क्या वह रंग जो है कि लेकर आएगा वह उनके रोड शो का यहाँ की जनता से जानते हैं। आपको बता दें इस वक्त जो हम मौजूद है यहाँ पर माता कुष्मांडा का मंदिर है हमारे सामने ही और यहीं से माता आशीर्वाद लेकर वो जो है कि रैली को शुभारंभ करेंगी। बताइए दादी क्या कह रही बताइए कहा टाई भैया कि कांग्रेस तो कुछ ना कैलस ठोस भाषा है देहाती वाला कहा आई है आप बनारस में आए हैं अपने लिए आए हैं अपने नेता के नेतृत्व में आए हैं और नेता बड़ा बढ़ाने आए हैं। कौन नेता है नाम बताइए। अरे हमारे कांग्रेस अखिलेश भाई है हमारी पोती आई है हमारी बहू आई है बढ़ के पोती से बढ़ के आओ मोदी जी हैं उनके तो वो नहीं हुए किसे जीत पाएंगे बताइए। मोदी जी कहते 400 पार मरू जा मुर्दा बन जा तब हमारे मुँह में आगे लगा वाला कोई ना है भैया। हमारे तो बहुत सी पलवार हुआ विपक्ष में आऊंगा बाकी जब हमारे के एक मुर्दा पड़ी ना दीदी तो 500 मुर्दा यहाँ के उठाए वाले राम राम सत्य होके लेके चल जाइया। अब मोदी जी का ना जनता उठाएगा मोदी कह रहे 400 ला पाएंगे कि नहीं दादी 405 का मतलब क्या होता है ये बताइए। 400 पार वो कह रहे हैं 400 पार का कहले हुआ है कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा हबड़ा का फूल हबड़ा का फूल खाली पर गाड़ी दौड़ी है मोदी जी दौड़ी है। आप बताइए कि महंगाई को लेकर सरकार आएगी तो क्या करेगी महंगाई जब बेच के खा गई ना मोदी जी। मोदी जी देश के खा गए ना देश के भाई मोदी जी देश के खा गए। आप बताइए चाची आप बताइए आप भी कुछ बताइए आप बताएंगी बोलिए आपको आइए दिल्ली तक पहुंचना चाहिए यहाँ से बक्सा बंद होगा समझ लिए सारी मीडिया वाले की इज्जत नहीं होगी। ये भी आप लोग गौर करिएगा आप लोग जैसे ले रही है बयान दे समाचार या आप देखिएगा हम पूरा चलाएंगे। अभी हम लोग विपक्ष में है बाकी जितना जी सोए थे आप बहुत अच्छा बोले आपका पूरा चलेगा एकदम। हाँ सोए थे तो मोदी जी ने मुद्दा उठा लिया कि कांग्रेसी सब बिजली में घुस गए मोदी जी तिरंगा दिखा रहे हैं कि हम ही है उन्हीं का तिरंगा दिखाया और सबकी तिरंगा अंदर क्या सब चीज में मोदी जी है क्या लगता है आपको महंगाई बेरोजगारी मिटा पाएंगे सरकारी सड़क पर भीख मांगा तुम्हारा वही तो कह रहे हैं आपकी सरकार आएगी तो महंगाई बेरोजगारी मिट जाएगी सब रहने जमीन जायदाद मिला मेरी बात सुनिए मेरी बात सुनिए बंदर राहुल गांधी अगर अखिलेश यादव जीत जाते हैं तो महंगाई बेरोजगारी खत्म करेंगे उम्मीद है थोड़ा बहुत खत्म होगा नहीं खत्म होगा आपको बुलाएंगे क्या बयान ले लेनी आप देखिए।